शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे ज्योति अपने कमरे में अपनी माँ से बात कर रही है, वो नहीं आने वाली। हाँ ज्योति, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। चुप करो तुम, और कितना धोखा दोगे जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे तुम शब्दों से झुठला नहीं सकते हो। जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है, ये तो चुप करो। कितने बेशरम हो तुम दोनों यार। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, उसके बाद भी तुम लोग अपनी सफाई पेश कर रहे हो। इतनी शर्म आ रही है तुम दोनों को तो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। बेशर्मी की हद तो देखो, एक ही घर में रहने के बाद भी ये सब कर रहे हो। और तुम्हें अपना दोस्त कहती थी, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। मैं इसी दिन की बात कर रही थी। तुम तो अपने गुजरते हुए लम्हे में जीते हो ना, आ गया तुम्हारा गुजरता लम्हा, अब क्या करोगे? अरे मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है। भुवन के पास हर समस्या का हल है, समझी? मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना, समझी? सब सेट हो जाएगा। मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ, एक मिनट रुक गया। लो, तुम्हारी माँ का फोन है। हेलो माँ। बेटा बधाई हो, तुम्हें क्या शर्म आ रही थी जो गुंजन से कहा? क्या कहा? यही कि तुमने अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है शादी के लिए। गुंजन ने हमें सब बताया भुवन के बारे में, उसके खानदान के बारे में। हमें तो लड़का बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों शहर में ही रहोगे, चलो अच्छा है। अच्छा तो बताओ कब करोगे शादी? माँ मेरा एक फोन आ रहा है, मैं आपको वापस फोन करती हूँ। क्या है गुंजन ये सब? तुमने माँ को मेरे और भुवन के में क्या बताया? क्या खिचड़ी पका रही हो तुम? कुछ खिचड़ी नहीं पका रही हूँ, मैं तो तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं तुम्हारी और भुवन की शादी देखना चाहती हूँ। बस बस, मुझे मालूम है कि तुम कितना अच्छा चाहती हो। मेरी पीठ पीछे तुम भुवन के साथ में सोती हो और यहाँ ये सब नाटक कर रही हो। गुंजन वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसमें गुंजन की कोई गलती नहीं है, कसूरवार मैं हूं। देखो ज्योति, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं और मैं तुम दोनों को ही खोना नहीं चाहता हूं। हम तीनों इस घर में अच्छे से रहें उसके लिए मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं। और तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मकान मालिक को किसने बताया कि तुम दोनों मसाज वाला में काम करती? तुमने बताया? क्यों? हाँ, भुवन ने बताया, क्योंकि वो हम दोनों के साथ रहना चाहता था। अगर दो लोगों को एक साथ प्यार करना गुनाह है ना, तो मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं। मुझे जो सजा देनी दे दो,
लेकिन मेरा मेरा दिल पे कोई जोर नहीं है। मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता, मैं तुम दोनों से उतना ही प्यार करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि हम तीनों साथ में रहें, वरना नहीं रहे। तुम जो फैसला लोगी मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम छोड़ के गई ना मुझे, तो मेरा मरा मुंह देखोगी। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगी। अरे ज्योति कहाँ रह गई सुबह से? उसकी तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास गई है। ज्योति तुम आ गई? क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ बनने वाली हो मतलब? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बच्चा गिराना होगा हमें, कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या? नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चलो ना भुवन, तुम और हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम पागल आगल हो क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। क्या मतलब शादी नहीं कर सकते? तुम्हीं ने तो बोला था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे यार बात को समझा करो, मेरे परिवार वाले अभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अभी ये बच्चा गिराना जरूरी है हमारे लिए, समझ रहे हो तुम? अगले साल शादी कर लेंगे ना, फिर कर लेना बच्चे जितने चाहे। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। ज्योति मेरी बात सुनो, ज्योति ये लो दूध पी लो। मुझे नहीं पीना है। अपने लिए ना सही, अपने आने वाले बच्चे के लिए तो पी लो। देखो हम तीनों साथ में रहते हैं, तो ये बच्चा भी हम सबका हुआ कि नहीं। और चिंता मत करो, मैं भुवन को समझाऊंगी, वो तुमसे जल्द से जल्द शादी कर ले और ये बच्चे को अच्छा भविष्य दे। चल अब जल्दी से ये दूध पी लो। गुंजन। हाँ। 10 बज गए, ज्योति अभी तक उठी क्यों नहीं? दवाई का तो असर हो जाना चाहिए ना अभी तक। जाओ देख कर आओ। ठीक है। ज्योति ज्योति उठो, ज्योति 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 उठो, ज्योति ज्योति भुवन, ज्योति क्या हो गया? ज्योति उठ नहीं रही है। ये तो मर गई। मर गई? ऐसे कैसे मर सकती है? अरे मुझे क्या पता कैसे मर गई, मैंने तो बच्चा गिराने की दवाई दी थी बस, जो मेरे दोस्त ने दी थी मुझे। कौन से अनपढ़ के पास वो दवाई लेके आए थे? देखो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ।
अब मैं ज्योति की माँ को क्या जवाब दूंगी? ओ हेलो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम इतनी बड़ी बात को कब तक और कैसे छुपाएंगे? शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। हमें ज्योति की मौत को एक राज रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ना तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। दवाई अगर मैं लाया था ना तो दवाई तुमने खिलाई थी, याद रखना। हम दोनों ना इसकी मौत के बराबर जिम्मेदार हैं। लेकिन इसकी लाश का क्या करें, कैसे छुपाएंगे लोगों से? सोचने दो मुझे, कुछ सोचने दो। नहीं चलेगा ना, तुम अपना मुंह बंद रखोगी ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, समझी? चलो निकलते। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? ज्योति की माँ का फोन है, उठाकर क्या जवाब दो? अरे यार, फोन नहीं उठाओगी तो उन्हें शक हो जाएगा। फोन उठाओ और आराम से बात करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो, नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते बेटा। बेटा ज्योति कहाँ है? हम कल से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, बंद आ रहा है, जरा बात तो करा देना। आंटी ज्योति कल ही बिहार के लिए निकल चुकी है, शायद ट्रेन में नेटवर्क नहीं होगा या तो वो अपना चार्जर भूल गई होगी। वो घर आ रही है और हमें बताया तक नहीं। अब आंटी शायद आपको सरप्राइज देना चाहती हो, इसलिए नहीं बताया होगा। अच्छा, अगर वो कल सुबह से निकली है तो अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। आंटी शायद ट्रेन लेट होगी, अब टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगी। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। हमने तो सोचा था ज्योति को हम आसानी से भूल जाएंगे, उसका नाम तक नहीं लेंगे, पर दुनिया का क्या, उसके माँ बाप का क्या, वो कब तक चुप बैठेंगे, उनके सवालों के क्या जवाब देंगे हम? तो कौन आ गया इस वक्त? जाओ जाकर दरवाजा खोलो। अरे जाओ ना। जी आप किससे काम है? जी किसी से काम नहीं है, इस घर का मालिक हूं। तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो? अरे सर आप, नमस्ते। गुंजन सर को नमस्ते करो। सर ये हमारी घरवाली है, महीने भर पहले आई है, माफ कीजिएगा इसने आपको पहचाना नहीं। आइए ना सर। सर सर आप तो आने से पहले हमेशा कॉल करते हैं, एक बार बताया नहीं आपने? आना पड़ा क्योंकि पड़ोस से तुम्हें शिकायत आ रही थी। शिकायत? कैसी शिकायत सर? यही कि तुम यहाँ दो दो औरतों के साथ रह रहे हो। सर लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं तो यहाँ अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता हूँ और कोई लड़की नहीं है यहाँ पे, आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। सर आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। बोलो। अरे कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें यार, बार बार कॉल मत किया करो मुझे, क्या हो गया? अरे यार क्यों परेशान कर रही हो मुझे यार बार बार? हाँ मैंने बोला ना मैं कॉल करूंगा,
फिर कॉल करने जा रही हो? हेलो बेटी, ज्योति अब तक घर नहीं पहुंची है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। पक्का वो घर के लिए ही निकली थी ना? आंटी, मैं उसे खुद ट्रेन में बिठा के आई थी। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गई, मुझे नहीं पता। पर ऐसे कहाँ जा सकती है वो? हेलो हेलो आंटी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आंटी। हेलो हेलो, ज्योति की माँ का फोन था, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं हम फंस ना जाए। वैसे तुम बाहर फोन पे इतने गुस्से में किससे बात कर रहे थे? अरे यार, कोई लेनदार था, छोड़ो ना, वैसे दिमाग खराब होता है। हेलो। हाँ जी, क्या हुआ, हो गया गुस्सा शांत? तुम कौन बात कर रही हो? दिमाग खराब, पागल हो तुम? ये औरत कौन है? अरे बीवी है मेरी, वो फोन क्यों किया उसे? मतलब तुम शादीशुदा हो? हाँ, शादीशुदा भी हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ, कोई दिक्कत है? तो तुम इतने दिन से मुझे धोखा दे रहे थे? तो तुम भी तो अपने पति को धोखा दे रही हो। पर मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया था। अरे शांत हो जाओ, ये और कोई रहता है समझी, पर मैं फंसा दूंगा तुझे, समझ रही है? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही? कुछ नहीं सर। कुछ कहा क्या भगवान ने? बस ऐसे ही। सर, भुवन घर में नहीं है, मेरा मतलब उसका सामान भी नहीं है, वो कहीं चला गया है। ओ, कल रात में तुम दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से गया हो? पर पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक तो लगी रहती है, इतनी सी बात? सर, मैं भुवन की पत्नी नहीं हूँ। हमारी शादी नहीं हुई, पर उसने मुझे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, पर मुझे कल ही पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास उसके आधार की कॉपी है, पुलिस वेरिफिकेशन में जरूरी होता है ना, मेरी पुलिस से पहचान है कुछ, उसका पता चल जाएगा। हेलो। हेलो भुवन, तुम्हारे पास ये नंबर कहाँ से आया? ये तो मेरे भाई का है। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे ग्वालियर के घर का पता भी है, अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकते। तो कल जो तुमने कॉल किया था ना, उसकी वजह से बहुत हंगामा हो गया, उसी को सुलटाने आया हूँ मैं। बेहतर है जल्दी वापस आ जाओ और सब समझाओ, वरना मैं तुम्हें धोखाधड़ी के केस में अंदर करवा दूंगी। और ये मत समझना कि अकेली है, मैं हूँ इसके साथ, अगर कल तक तुम वापस नहीं आए तो पुलिस तुम्हें लेने जाएगी, समझे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी शादी की बात छुपाकर इस लड़की को धोखा दे रहे थे? मैं गुंजन से शादी करने के लिए तैयार। और तुम्हारी बीवी का क्या होगा? हाँ, ये सब तुम्हें बच्चों का खेल लगता है? तुम्हें अपनी शादी की बात पहले बतानी चाहिए थी गुंजन को, इसके बाद भी अगर ये रिश्ता रहती तो अलग बात होती। कहाँ है मेरी बेटी? आंटी, मैंने कहा तो था वो गांव के लिए निकली थी, अब तक नहीं पहुंची। नहीं, तुम्हारे अनुसार वो 4 दिन पहले ही गांव के लिए निकली थी और तुम उसे खुद ट्रेन में बिठा कर आई थी, लेकिन उसके मोबाइल लोकेशन से हमें यह पता चल रहा है कि वो कभी दिल्ली के बाहर गई नहीं। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गुंजन के चले जाने के बाद वो ट्रेन से उतर गई हो, अब हमें क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक मिनट, ये किसकी बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं इनकी बेटी ज्योति की, जो इन दोनों के साथ इसी घर में रहती थी। क्या इसका मतलब, इस घर में एक और लड़की रह रही थी? हमें इन दोनों पर शक है, हम सर्च वारंट लेकर आए, हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। ठीक है सर। डरो मत, सब ठीक हो जाए।
कुछ मिला सर आपको? सर मैंने तो पहले ही कहा था आपको कुछ नहीं मिलेगा, अब काम का शक कर रहे थे हम पे। साहब पीछे गार्डन में चलिए, कुछ मिला है। क्या सर यहां देखिए, ऐसा लग रहा है हाल ही में खुदाई हुई है। सर यहां पे मैंने नए पौधे के बीज लगाए हैं और कुछ नहीं। अभी पता चल जाएगा तुमने क्या बोया है। खोदो इस जगह को। जी सर। एक्सीडेंट था, मुझे नहीं मालूम था कि वो दवाई से ज्योति मर जाएगी। सर बंद कर तेरी ये बकवास, तुम दोनों खूनी हो और अब कानून तुम दोनों को किए की सजा देगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ले चलो इन दोनों को।